नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन जो बहुत जल्दी लगने वाली है, इस चीज़ को एग्जामिनेशन को देखते हुए हैं लगातार हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको सीजीएल से जुड़े सारे जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एसएससी सीजीएल को लेकर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी सीजीएल में पूछने वाले हैं। तो बता दें यहाँ पर दोस्तों कि 25 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स में, 25 क्वेश्चन रीजनिंग में, 25 क्वेश्चन जीके में, 25 क्वेश्चन जो इंग्लिश में पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन एक घंटा में पूछे जाते हैं। तो ये जो है 10 बजे से लेकर 11 बजे तक परीक्षा हुए थे और ये जो 11/6 को परीक्षा हुई। तो चलिए देखते हैं 11/6 को कौन कौन से क्वेश्चन जो पूछे गए थे। तो सबसे पहले जीके का क्वेश्चन यहाँ पर जाते हैं, तो जीके में देख लेते हैं कि जीके में जो है कहाँ पर जीके रखा गया। तो जीके का क्वेश्चन, क्योंकि जीके में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को जो है फंसते हैं जीके के क्वेश्चन में, क्योंकि जो मैथ और रीजनिंग का क्लासेस लगभग सारे कैंडिडेट जो है करते हैं, लेकिन जीके का क्वेश्चन का जीके का क्लासेस नहीं करते, जिसके कारण जीके में उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो यहाँ पर बता दें, लिखे गए यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। लिखे गए निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया गया था। पहले लिखे गए एनजी खेतान को, दूसरा लिखे गए अनुराग ठाकुर को, तीसरा लिखे गए मनु साहनी को, चौथा लिखे गए सौरभ गांगुली को। तो ये जो किए गए थे मनु साहनी को, किसको किए गए थे, मनु साहनी, यानी कि ऑप्शन तीन, जो कैंडिडेट ऑप्शन तीन को क्लिक किए उनका जवाब सही रहा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, पृथ्वी के ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। जो ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है, भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है, बायोगैस कहा जाता है, या सौर ऊर्जा कहा जाता है। जो कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, जो पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा जो कहते हैं उसको हम लोग भूतापीय ऊर्जा जो है कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। लिखे गए हैं भारत में 24 जनवरी को किस दिन के दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में, राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में, राष्ट्रीय कृषि दिवस के रूप में, या राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के रूप में। यह जो मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में, कौन सा, राष्ट्रीय बालिका दिवस। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। लिखे गए हैं उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति 2019 में डॉट होगी, 20 जून को होगी, 24 जून को होगी, 26 जून को, या 21 जून को। यह जो होंगी दोस्तों किस तारीख को होगी, 21 जून को, याद रखिएगा 21 जून को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। लिखे गए मार्फती गीत डॉट के पारंपरिक लोकगीत है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बांग्लादेश। जो कि बांग्लादेश को क्लिक किए उनका जवाब सही रहा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे गए हैं जुड़वे कल्चर का एक कोथित पुरातात्विक स्थल था, जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है, असम में स्थित है, गुजरात में, या बिहार में। यह जो स्थित है दोस्तों किस में, महाराष्ट्र में स्थित है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरूर आप रीड करिए, एग्जामिनेशन में पूछेगी। देखेंगे चेरी पिंकिंग शब्द किस खेल के में उपयोग किया जाता है। तैराकी में उपयोग किया जाता है, टेबल टेनिस में, बास्केटबॉल में, या क्रिकेट में। ये जो यूज किया जाता है दोस्तों किस में, बास्केटबॉल में। जो कि बास्केटबॉल को क्लिक किए उनका जवाब सही रहा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भूटान के राष्ट्र पक्षी का नाम बताइए। भूटान के राष्ट्र पक्षी का नाम क्या है, मांगपई है, तोता है, मोर है, या काला कौवा। ये जो है किसका है दोस्तों, काला कौवा, ब्लैक क्रो, ठीक है, काला जो है कौवा। इसका जो ईवी क्वेश्चन जो वीवीआई है, जरूर आप इसको रीड करें, आपको एग्जामिनेशन में पूछेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछे गए हैं। यहाँ पर पूछे गए दोस्तों उस विदेशी व्यक्ति को पहचानिए जिसे वर्ष 2019 में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए भारत में दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पहले लिखे गए प्रवीण गोवर्धन, दूसरा लिखे गए इस्माइल उमर गुएलेह, और तीसरा लिखे गए जॉन चैम्बर्स, और चौथा लिखे गए कादर खान। तो ये जो है इस्माइल उमर गुएलेह को जो है सम्मानित किया गया था, ऑप्शन टू। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखे गए उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी डॉट का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है, चावल है, चाय है, कपास है, या मक्का है। चावल को जो है जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से उपजाऊ कर सकते हैं चावल को।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर आ चुके, लिखिए भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है। पहले लिखिए अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 54। ये जो अनुच्छेद 61 है इसी को जो है अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ए हिस्ट्री ऑफ द सिक्स पुस्तक लिखी है, अमृता प्रीतम ने या खुशवंत सिंह ने या भाई वीर सिंह ने या गुरबचन सिंह तालिब ने। ये जो लिखे हैं दोस्तों खुशवंत सिंह ने, याद रखिएगा खुशवंत सिंह यानी ऑप्शन टू। दोस्तों यहाँ मोस्ट 25 क्वेश्चन यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा मेहनत पसंद लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और SSC हुआ, SSC का तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा के जुड़ जाए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसको आसानी से आप प्राप्त हो सके। आज का वीडियो का सेक्शन यहीं तक रहा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।